वेलकम टू टेक्निकल ब्राह्मण जी, और मैं हूं का भाई आशीष शर्मा। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए, ऐसे ही बनाए रखें। बहुत जल्द हमें 1000 टच करना है, तो ज़रूर होगा। आज दो न्यूज़ है, दो टॉपिक है, उस पर बात करना चाहेंगे। एक है जियो ने जो लॉन्च किया है नया फ़ोन, जो उन्होंने बोला है कि हम नया फ़ोन सितंबर तक लॉन्च करेंगे, वर्ल्ड का सबसे मोस्ट अफोर्डेबल फ़ोन जो है इस पर। और दूसरी हम बात करेंगे अपने लावा के भाई ईयरबड्स आ गए। लावा ने अपना चलो फ़ोन तो निकाला था, अब उन्होंने अपना एक ईयरबड्स निकाला है, और जिसकी प्राइस अराउंड 2000 से 2200 तक है। तो उस पर बात करेंगे कि क्या वर्थ है इस लेने का कि नहीं। तो कीप वॉचिंग। तो उससे पहले चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। सबसे पहली बात हम कर लेते हैं जियो की। जियो का 44th एनुअल मीटिंग था, और उसमें उन्होंने बोला है कि भाई वो सितंबर तक मोस्ट अफोर्डेबल पूरा दुनिया का फ़ोन ले करेंगे। बहुत अच्छी बात है, 5G भी हो सकता है, 4G ऐसा था ना, तो वो फ़ोन लेकर आएंगे। तो बट मुझे प्रॉब्लम है, एक चीज़ से प्रॉब्लम है कि आप फ़ोन निकाल रहे हो 2500 तक निकाल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और ऊपर से इससे रोज़गार भी देश में बढ़ेगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। गूगल के साथ आप टाई अप कर रहे हो, रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये क्यों नहीं फुल फ्लेज के साथ स्मार्टफोन मार्केट में उतरता है। और यदि ये उतर गया तब तो ये रेडमी हो गए, पोको हो गए, इनकी तो बस ये सोच लो कि इनकी क्या हालत हो सकती है, क्योंकि रिलायंस के पास फंड भी है, रिलायंस के पास सोर्सेज हैं, रिलायंस के पास नेटवर्क है, तो बहुत ज़बरदस्त फ़ोन बना सकता है। बट पता नहीं, लेट्स सी। इस फ़ोन के बारे में बात कर लेते हैं। ये फ़ोन आएगा, आपका स्मार्टफोन है, इसमें टच होगा जैसे पहले कीपैड होता था। और मैं बताना चाहूँगा, मेरा जो सबसे पहला फ़ोन था मेरे लाइफ का वो रिलायंस था। मेरे इतना बड़ा फ़ोन होता था रिलायंस का, वो था मेरे लाइफ का सबसे पहला फ़ोन, और उसको ऐसे संभाल कर रखता जैसे सारा 50,000 का फ़ोन है, ठीक है। तो वो पहला फ़ोन था। आप बताना कमेंट करके आपके लाइफ का पहला फ़ोन कौन सा था, जरूर जानना चाहूँगा कि आपके लाइफ में आपने पहला फ़ोन कौन सा यूज़ किया था। चलिए, तो इस पर और एक फीचर्स हैं कि इसके डिस्प्ले पे जो लिखा होगा वो आप पढ़ सकते हो, इसे ट्रांसलेशन भी हो सकता है। बट वही है कि आप 2 से 2500 के फ़ोन पे आप ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक 2-2500 का जो फ़ोन 3000 का होगा उससे आप नॉर्मली एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो 10,000 के फ़ोन से आप नहीं बोल सकते ना कि 10,000 के फीचर्स नहीं डाला। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना। अब ये मत बोलने को आना भाई इसमें तो ऐसे नहीं है, भाई इसमें तो ऐसे नहीं, भाई ये मोस्ट अफोर्डेबल फ़ोन बनाया है स्मार्टफोन, जस्ट बिकॉज कि हर एक बंदा इसको यूज़ कर सके अच्छे से। दैट्स इट, ये मेन मोटो है उनका, ये बात आप समझो, दिमाग में डालो, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि रिलायंस का ये दाव कैसा रहेगा? और रिलायंस बहुत कुछ करने वाला है, और उसने बोला है कि इंडिया का सबसे पहला 5G नेटवर्क रिलायंस लेकर आएगा, तो बहुत बड़ी बात है। मे भी हो सकता है 2022 तक आ जाए, और या उससे बाद, लेट्स सी क्या होता है। तब तक हम वेट करेंगे, वेरी एक्साइटेड, आप हो बताना। चलिए अब हम बात करते हैं लावा, लावा की। तो लावा ने भाई लोग अपना ईयरबड्स निकाला है, ठीक है, प्रोबड्स है, और कल उसने जो मस्त वाला सबकी काट लिया, 1 रुपये का बोल के 10 सेकंड के अंदर सेल बंद कर दी बंदे ने। यार क्या बोलो, मस्त उसका ये काम किया। मे भी शायद होता है हाइप लेने के लिए, तो बिजनेस स्ट्रैटेजी है, उसमें कोई हम बात नहीं करना चाहेंगे। ईयरबड्स की बात कर लेते हैं, 25 आवर्स का इसमें आपको ये मिलता है, क्या बोलते हैं, बैकअप मिलता है, 5 IPX5 की रेटिंग मिल रही है, आपको स्वेट प्रूफ मिलेगा, ब्लूटूथ 5 का इसमें आपको सपोर्ट मिल सकता है, मिलेगा, कंफर्टेबल है, अट्रैक्टिव है। 2 से 2200 के बीच होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और शायद उतना ही प्राइस भी है, तो मैंने प्राइस अभी चेक नहीं किया है एक्चुअली। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात क्या पता है, इंडस्ट्री में घुस रहा है हर एक, मतलब क्या बोलते हैं, इंडियन ब्रांड्स कोशिश कर रही है आने की, मेहनत कर रही है, तो ये देख के दिल बाग बाग हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जाऊँगा, वीडियो लास्ट में छोड़ना मत, क्योंकि जो वीडियो के लास्ट में ना एक फ़ोटो दिखाऊँगा, दिल गार्डन हो जाएगा, और चाइना की जो बहुत बंदे करते हैं ना तारीफ, उनकी जल जाएगी। तो वीडियो लास्ट में ज़रूर देखना, ये मिस मत कर देना, ठीक है। और आपको प्रोबोट के बारे क्या पता है, आपने लिया, आप लेना चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड लेट्स सी क्या होता है आगे, ठीक है। जय श्री राम, जय हिंद।